पंजाब के अबोहर हत्याकांड मामले में आज एक और गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने राजपुरा गांव से एक युवक को आज गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए युवक का नाम विवेक विज बताया जा रहा है। गौरतलब है कि अबोहर मामले में ये पांचवी गिरफ्तारी है। अबोहर कत्लकांड मामले में राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। 4 सदस्यों की टीम पूरे मामले की जांच करेगी। 4 सदस्यों की टीम की अगुवाई डीआईजी चहल करेंगे, जबकि मामले में आज एसएचओ अभिनव चौहान को सस्पेंड कर दिया गया। कांग्रेस विधायक दल के नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने आज अबोहर कांड के पीड़ितों से मुलाकात की और परिवार के प्रति सहानुभूति जताई। चन्नी ने कहा कि अगर 2 दिन के अंदर शिवलाल डोडा को गिरफ्तार नहीं किया गया तो पंजाब में सफाई कर्मचारी अपना काम ठप कर देंगे। वहीं कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने कहा कि मुख्य गुनहगारों का नाम FIR में दर्ज है और उसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इससे साफ है कि पुलिस और सरकार उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। अबोहर हत्याकांड मामले को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। कैबिनेट मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सांपला के बयान पर कहा कि सांपला के बयान को बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। गौरतलब है कि सांपला के ने बयान दिया था कि ये गैंग वॉर का मामला नहीं है, जबकि अकाली दल की ओर से इसे गैंग वॉर का मामला बताया जा रहा है। अबोहर हत्याकांड मामले को लेकर आज लुधियाना में दलित समाज के लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने जाम लगाकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस के आश्वासन पर बाद में प्रदर्शनकारियों ने जाम खोला। आम आदमी पार्टी के पंजाब संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर ने आज चंडीगढ़ में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान दूसरी पार्टियों से आए कई वर्कर्स ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। संसद में हंगामे के दौरान पीएम मोदी के पानी पिलाने पर आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने पीएम मोदी का किया शुक्रिया। भगवंत मान बोले, पानी पीकर आवाज और होगी बुलंद। सीबीआई की छापेमारी को लेकर केंद्र सरकार पर भगवंत मान ने साधा निशाना। अकाली दल के सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने आज लोकसभा में आनंदपुर साहिब और मोहाली में रेलवे प्लेटफॉर्म का मुद्दा उठाया। श्री आनंदपुर साहिब और रोपड़ को डबल प्लेटफॉर्म करने पर पूछे गए चंदूमाजरा के सवाल के जवाब में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बयान दिया कि सरकार रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड करने का काम कर रही है। जल्द ही रेलवे स्टेशनों की कायापलट होने का सुरेश प्रभु ने भरोसा दिया। भटिंडा में कल हुई पंजाब कांग्रेस की रैली पर पंजाब के उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल के ओएसडी चरणजीत सिंह बराड़ ने कहा कि कांग्रेस की रैली में सिर्फ 25 से 30 हजार लोग ही पहुंचे, जबकि शिरोमणि अकाली दल की पटियाला रैली में अभी तक इतिहास में सबसे ज्यादा भीड़ पहुंची। चरणजीत सिंह बराड़ भटिंडा में 61वीं पंजाब स्कूल स्टेट गेम्स जूडो के मुकाबले का उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे। लुधियाना में बाबू सूरत सिंह खालसा से आज कैबिनेट मंत्री दलजीत सिंह चीमा मुलाकात करेंगे। गौरतलब है कि तबीयत खराब होने के बाद से अस्पताल में भर्ती हैं सूरत सिंह खालसा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की औद्योगिक विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक हुई। उद्योग मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी इस बैठक में मौजूद रहे। मार्च में होने जा रहे इन्वेस्टर्स मीट की तैयारियों पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। हरियाणा के सीएलयू सीरीकांड मामले में लोकायुक्त ने की 5 आरोपी पूर्व विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज करने की सिफारिश। इनेलो ने पिछली हुड्डा सरकार के दौरान जारी की थी सीडी। लोकायुक्त के फैसले का इनेलो ने किया स्वागत। नेशनल हेराल्ड के मुद्दे को लेकर आज फरीदाबाद में कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर लगाया बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप। 19 दिसंबर को सोनिया और राहुल का कोर्ट में होना है पेश। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात की बात कही है और साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार अभी तक अपने चुनावी वायदे पूरे करने में फेल रही है। हिसार के गांव सुलखनी में गोत्र विवाद पर पंचायत का तुगलकी फरमान। दंपति को दिया शादी तोड़ने का आदेश। फरमान न मानने पर हुक्का पानी बंद करने की चेतावनी।
हरियाणा में टीबी के रोगियों के लिए बड़ी राहत। स्वास्थ्य विभाग ने लिया प्रदेश के 7 जिलों में टीबी की जांच की नई मशीन लगाने का फैसला। महज 2 घंटों में आएगी टीबी की रिपोर्ट। हिमाचल बीजेपी के वार पर हिमाचल कांग्रेस का पलटवार। प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सुखू बोले, बीजेपी के सभी आरोप हैं बेबुनियाद। कहा, केंद्र सरकार ने अभी तक बदले की भावना से ही किया है काम। 19 दिसंबर को काला दिवस के तौर पर मनाएगी कांग्रेस। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सुखू के बयान पर पांवटा साहिब में बोले बीजेपी विधायक राजीव बिंदल, कांग्रेस प्रदर्शन के सहारे बीजेपी को बैकफुट पर लाने की कर रही है कोशिश, जबकि प्रदेश के मुखिया खुद भ्रष्टाचार में हैं शामिल। हिमाचल प्रदेश मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ने शिमला में केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। दवाइयों में 100% विदेशी निवेश को लेकर सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। केंद्र सरकार की विदेशी कंपनियों को देश में दवाइयों के निर्माण की इजाजत से देसी कंपनियों के अस्तित्व को बताया खतरा। जी मीडिया पहुंचा दुनिया के सबसे खतरनाक रोहतांग दर्रे पर। बीआरओ के सड़क से बर्फ हटाने के काम का लिया जायजा। 0 से कई डिग्री नीचे के तापमान में सेना के साथ गुजारे कई घंटे। गुड़गांव के सोना में नकली टोस्ट और ब्रेड बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़। स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस ने मिलकर की छापेमारी। मेवात के एसपी ने पकड़ी थी टोस्ट से भरी गाड़ी। चंडीगढ़ में एक निजी शिक्षण संस्थान के बाहर छात्र आपस में भिड़ गए। छात्रों में आपस में ही जमकर लात घूंसे चले और डंडों से मारपीट हुई। छात्रों के बीच ये झड़प संस्थान के बाहर होती रही और किसी ने भी इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। मौके पर पुलिस भी नहीं पहुंची। फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच सेक्टर 56 की टीम ने एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से 100 से अधिक मोबाइल, लैपटॉप, टैब और 10 कार समेत 26 गाड़ियां बरामद की हैं। बदमाश दर्जनों चोरियां दिल्ली, हरियाणा और यूपी में अंजाम दे चुके हैं। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस आज पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही गुरुद्वारों में श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ पहुंच रहे हैं।